खरगोन शहर में भादो दूज यानी 1 सितंबर को प्रजा के हाल जानने के लिए निकलने वाले अधिष्ठाता देव सिद्धनाथ महादेव के भ्रमण को लेकर शिव भक्तों आयोजन समिति के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। शिव भक्त जहां बाबा के दर्शन पूजन सेवा स्टॉल स्वागत सत्कार की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है। मंगलवार को बम निरोधक दस्ते ने शिवडोला मार्ग का निरीक्षण किया। आरक्षक शिवराज गुर्जर ने बताया कि आधुनिक उपकरणों की मदद से शिवडोला मार्ग स्थित दुकानों सुनसान इलाकों लावारिस पड़े सामान आदि की चेकिंग की जा रही है जिससे बाबा की शाही सवारी में कोई खलल न पैदा हो। टीम ने सिद्धनाथ महादेव मंदिर हैदर मस्तान चौक बाउडी बस स्टैंड पोस्ट ऑफिस चौराहा सराफा बाजार सहित अनेक स्थानों पर चेकिंग विगत दो दिनों से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि डोले में करीब 4 लाख से अधिक भक्त शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आपके निर्देशन में आगामी जो शिवडोला होने वाला है भव्य स्तर पे होगा जिसमें कि लगभग 3 से 4 लाख की पब्लिक आने का अनुमान है, तो उसकी सुरक्षा के हेतु हम लोग एसपी साहब के निर्देशन में ही ये सब चेकिंग कर रहे हैं। उसमें जहाँ से शुरुआत होगी शिवडोला की वहाँ से लेके वापिस जहाँ तक खत्म होगा वहाँ तक पूरा गहन चेकिंग होती है। ये हम लोग एंटी सपोटास चेकिंग कर रहे हैं, इसमें हम अपने इक्विपमेंट से करते हैं, साथ में डॉग स्क्वाड होता है, दोनों मिलके करते हैं, तो जिससे हम शहर की सुरक्षा कर पाए और आमजन जो आने वाले हैं उनकी सुरक्षा हो पाएगी। मैं सब इंस्पेक्टर संजय मौर्य वीडियो इंचार्ज। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार बीडीएस टीम निमाड़ रेंज खरगोन के द्वारा आगामी शिवडोला त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए एनडीसीओडा चेकिंग की जा रही है, जिसमें मुख्य मार्गों के द्वारा जो जन यात्रा निकलेगी भगवान भोलेनाथ की, वो समस्त क्षेत्र जो अपने खरगोन शहर में निकलने वाली यात्रा जो है पूरा हम एनडीसीओडा चेकिंग के द्वारा चेक करेंगे। जी हमारे पास एनएलजीडी उपकरण है और प्रोडर है, मिरर है, इसे हम चेक करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरक्षक शिवराज गुर्जर, ये मेरे सहयोगी साथी सुरेश यादव जी एवं मोहनदास ये मेरे सहयोगी हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।